प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली से बाहर दिवाली मनाएंगे। पीएम मोदी आज केदारनाथ जा रहे हैं। -6 डिग्री सेल्सियस के बीच केदारनाथ में पीएम मोदी दिवाली मनाएंगे। पीएम केदारनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। केदारनाथ में चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। यहाँ तापमान -6 डिग्री सेल्सियस के करीब है। पीएम मोदी मंदिर में पूजा करेंगे और मंदिर के पुनर्निर्माण और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। केदारनाथ में 2013 में विनाशकारी बाढ़ आई थी। पीएम मोदी सुबह 9 बजे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से 10:30 बजे केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। करीब 5,000 पुलिस के जवान और अधिकारी पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले केदारनाथ मंदिर में बीजेपी नेताओं और कैबिनेट मंत्री पहुंच चुके हैं। बाबा केदारनाथ के इस पुनर्निर्माण का जहां तक प्रश्न है, इसकी पूरी धनराशि केंद्र से सहायता के रूप में मिल रही है। राज्य सरकार इसमें किसी भी तरह का कोई अंश नहीं दे रही है और इस सहायता के आधार पर आप देखेंगे कि इसका स्वरूप दिन प्रतिदिन निखरता जा रहा है। केदारनाथ धाम में छोटी दिवाली धूमधाम से मनाई गई। पूरे मंदिर को रोशनी और दिए से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार केदारनाथ अक्टूबर 2017 में गए थे। और केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद भारत चीन बॉर्डर पर प्रधानमंत्री जाएंगे। वहां वो जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद दोपहर करीब 12 बजे पीएम मोदी उत्तराखंड के हर्षिल बॉर्डर जाएंगे। प्रधानमंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री चीन बॉर्डर पर सेना की तैयारियों और बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री जवानों के साथ बातचीत करेंगे और दिवाली की शुभकामनाएं देंगे। हर्षिल बॉर्डर भारत चीन सीमा से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके पास गंगोत्री नेशनल पार्क है, जिस जगह का नजारा भी मशहूर लाहौल स्पीति की तरह बेहद खूबसूरत है। नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री का पद संभाला है, तभी से वो दिवाली सेना के जवानों के साथ ही मनाते आए हैं। 2014 में पीएम मोदी ने सियाचिन में जवानों के साथ दिवाली मनाई। 2015 में अमृतसर के युद्ध स्मारक में दिवाली मनाई। 2016 में चीन सीमा पर दिवाली मनाई। 2017 में LOC पर दिवाली मनाई। पीएम मोदी उत्तराखंड में चीन बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे तो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण असम और अरुणाचल प्रदेश में जवानों के साथ दिवाली का जश्न मनाएंगी।